स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वर्चुअल क्लासेज के अंदर। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। मेनली सिक्स सेमेस्टर BSc मेडिकल सिक्स सेमेस्टर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो सिलेबस है इस कंप्लीट वीडियो सीरीज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जो हम हमारी फ्यूचर वीडियो के अंदर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट के बारे में और डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में। तो दो चीज हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। एक तो हम डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट होती है। सेकेंड, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इस डेवलपमेंट के। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ फर्टिलाइज एग इनटू ए हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब जिस प्रोसेस से जो एग है फर्टिलाइज जो एग है वो कन्वर्ट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। और इसी डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। सेकेंड जो स्टेप होता है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर हम प्रोसेस की बात करें किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करें तो उसके जो डेवलपमेंट है वो 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का, फर्स्ट जो स्टेप होता है एम्ब्रियो की फॉर्मेशन का, वो होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेटो का मतलब होता है गैमेट, एंड जेनेसिस की अगर हम बात करें तो जेनेसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका फॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस का वो होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होती है गैमेट्स की फॉर्मेशंस होती है। अब ये जो गैमेट की जो फॉर्मेशंस है मेल के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशंस का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो जेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटो में स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म्स। तो मेल के अंदर जो स्पर्म की जो फॉर्मेशंस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस बोलते हैं। ऊजेनेसिस में ऊ का मतलब क्या होता है? एग या ओवम। एग या ओवम की जो फॉर्मेशंस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस बोलते हैं। आपके जो स्पर्म की बात करें तो ये आपके गैमेट्स है या फिर हम कह सकते हैं जर्म सेल्स है। गैमेटोजेनेसिस से क्या होता है? जर्म सेल्स की फॉर्मेशंस होती है, गैमेट की फॉर्मेशंस होती है। और ये सभी जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आपके हैप्लोइड इन नेचर की होते हैं। सेकेंड जो स्टेप होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का किसी भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन का वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं मे बी डिफरेंट डेफिनेशन से, मे बी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल जो गैमेट्स है स्पर्म और फीमेल जो गैमेट्स है ओवम, उनका जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से किसकी फॉर्मेशन होती है? जायगोट की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई हम फर्टिलाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट को भी हम क्या कह सकते हैं? फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या फॉर्म होता है? जायगोट फॉर्म होता है। थर्ड जो स्टेप की बात करें, थर्ड जो स्टेप होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है वो होता है क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या होता है? एक माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है जिसकी हेल्प से जो जायगोट जो फॉर्म है सिंगल सेल जो जायगोट जो फॉर्म हुआ है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला के अंदर फॉर्मेशन होती है। तो या फिर हम क्लीवेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड क्लीवेज। और जो ब्लास्टुला के जो फॉर्मेशन होते हैं वो मल्टीपल माइटोटिक डिविजन, रैपिड माइटोटिक डिविजन से क्या होती है? ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो क्लीवेज जो प्रोसेस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 सब स्टेप के अंदर डिवाइडेड है। एक है हमारा मोरुलेशन, सेकंड जो स्टेप है वो है आपका ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मोरुलेशन जो प्रोसेस है इससे क्या होती है? मोरुला की फॉर्मेशन होती है। द प्रोसेस बाय विच मोरुला इज फॉर्म इज कॉल्ड मोरुलेशन। इसके अलावा हम ब्लास्टुलेशन की बात करें तो ब्लास्टुलेशन के रिजल्ट से क्या होती है? ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, बट डिफरेंस बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला, तो
जो मोरूला होता है ये 16 सेल स्टेज होती है, 16 जो सेल स्टेज होती है जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन से, जब 16 सेल की जो स्टेज फॉर्म होते हैं, 16 सेल जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। अगर हम 32 सेल स्टेज की बात करें या 64 सेल स्टेज की बात करें तो 32 से 64 सेल जो स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है मोरूला और ब्लास्टुला के अंदर, मोरूला कैसा होता है आपका सोलिड बाल, बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वही ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फ्लिड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो दो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है मोरूला और ब्लास्टुला के अंदर, एक तो मोरूला आपका 16 सेल स्टेज होता है, ब्लास्टुला 32 टू 64 सेल स्टेज होती है, वाइल आपकी जो मोरूला होता है ये सॉलिड बाल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वाइल ब्लास्टुला की अगर हम बात करें तो ब्लास्टुला कैसा होता है, फ्लूड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होते हैं, और जो फ्लूड फिल्ड कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील बोलते हैं। फोर्थ जो स्टेप की बात करें तो फोर्थ जो स्टेप होता है वो होता है गैस्ट्रुलेशंस। गैस्ट्रुलेशंस के रिजल्ट से क्या होता है, गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है, या तो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशंस, या फिर इसको हम ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्मलेट, जर्मलेयर की जो फॉर्मेशन होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जर्मलेयर, जर्मलेयर की जो फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रुलेशंस बोल रहे हैं। और ये जो जर्मलेयर है ये तीन टाइप की जर्मलेयर होती है, अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो दो जर्मलेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म अब्सेंट होती है। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट्स की बात करें, जैसे ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट हुई है वो तीन जर्म लेयर्स हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो फोर्थ जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो होता है आपका गैस्ट्रुलेशन, जिसके रिजल्ट से क्या होती है, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है और मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। लास्ट जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो होता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है, ऑर्गन, और जेनेसिस का मतलब सेम, फॉर्मेशन, ऑर्गन की जो फॉर्मेशन होती है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। ये क्या होता है, फिफ्थ स्टेप होता है डेवलपमेंट प्रोसेस का। अब जो जर्म लेयर जो फॉर्म हुई है, एक्टोडर्म जो फॉर्म हुई है, एंडोडर्म जो फॉर्म हुई है, मेसोडर्म जो फॉर्म हुई है, इन जर्म लेयर का क्या होता है, स्पेसिफिक फेट होता है, ये अपने स्पेसिफिक फेट को, स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या करती है, फॉर्म करती है। जैसे अगर हम बात करें मेसोडर्म की बात करें तो हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो आपकी जो मेसोडर्म है वो क्या करती है, हार्ट की फॉर्मेशंस करती है, किडनी की फॉर्मेशंस करती है। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो ब्लड भी कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजन्स का होता है। लिम्फ की अगर हम बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, ये सब किससे ओरिजिनेटेड होते हैं, मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड होते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में जो डिफरेंट जो जर्म लेयर्स है अपना स्पेसिफिक फेट को क्या करती है, फॉर्म करती है। जैसे अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म क्या करती है, नर्वस सिस्टम को फॉर्मेशन करती है, नर्वस जो सिस्टम है उसको फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है, एक्टोडर्म। इसके अलावा अगर हम बात करें डर्मिस की बात करें, एपिडर्मिस की बात करें, तो एपिडर्मिस किससे फॉर्म्ड होता है, एक्टोडर्म लेयर से फॉर्म्ड होता है। तो ईच जो जर्म लेयर्स है वो अपने स्पेसिफिक फेट को क्या करती है, फॉर्म करती है। तो कोई भी एनिमल्स हो, चाहे इनवर्टिब्रेट्स हो, चाहे वर्टिब्रेट्स हो, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कंप्लीट होता है फाइव स्टेप के अंदर। फर्स्ट गैमिटोजेनेसिस, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड होता है क्लीवेज, फोर्थ होता है गैस्ट्रुलेशन एंड फिफ्थ होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट एक डायग्राम की हेल्प से इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, अच्छे से समझ लें। जैसे एक अडल्ट फ्रॉग है, सेक्सुअली मेच्योर अडल्ट है, तो फर्स्ट जो स्टेप हमने बताया था डेवलपमेंटल प्रोसेस का वो होता है हमारा गैमिटोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, गैमिट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम मेल फ्रॉग की बात करें तो मेल फ्रॉग के अंदर क्या होगा, मेल गैमिट फॉर्म होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो गैमिटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस, और ऊजेनेसिस के रिजल्ट से किसकी फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। ऊसाइट बोल सकते हैं या फिर हम ओवा बोल सकते हैं या फिर हम एग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री का, वो कौन सा होता है आपका, गैमिटोजेनेसिस, जिसमें गैमिट्स की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड हम स्टेप की बात करें तो सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो गैमिट का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये सेकेंड प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का।
और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जैसा कि हमने बताया आपके जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके हैप्लोइड्स होते हैं, ठीक है। बट जो जायगोट होता है ये कैसा होता है, हमारा डिप्लोइड होता है। कैसा होता है, डिप्लोइड होता है, बट कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है। देन थर्ड जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का, वो कौन सा होता है, हमारा क्लीवेज होता है। और क्लीवेज किसको बोलते हैं, हम माइटोटिक डिवीजन को। अब आपका जो जायगोट है इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा आपका मोरूला और एटलीस्ट ब्लास्टुला के फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट जो क्लीवेज होगा, फर्स्ट क्लीवेज से दो सेल्स फॉर्म होगी और ईच जो इंडिविजुअल सेल्स है उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे उनको, हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड जो क्लीवेज होगा, सेकेंड क्लीवेज से क्या होगी, फोर सेल स्टेज होगी। थर्ड क्लीवेज से क्या होगी, आपकी एट सेल्स फॉर्म होगी। और फोर्थ क्लीवेज से क्या होगी, आपकी 16 सेल फॉर्म होगी। तो 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से जायगोट मोरूला के अंदर चेंज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोरूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, हम मोरूलेशन। द प्रोसेस बाय विच मोरूला इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड मोरूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोरूलेशन बोलते हैं। और ये जो मोडुलेशन होता है, मोडुलेशन से जो मोरूला के फॉर्मेशन होता है, ये कैसा होता है, सॉलिड बाइलैटरल स्ट्रक्चर होता है, कोई केविटी प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड जो स्टेप होता है क्लीवेज के अंदर वो कौन सा होता है, आपका ब्लास्टुलेशन। कौन सा होता है, ब्लास्टुलेशन। और ब्लास्टुलेशन के रिजल्ट से किसकी फॉर्मेशन होती है, ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। और जो ब्लास्टुला होता है ये आपका 32 सेल स्टेज होता है। कितने, 32 to 64 सेल स्टेज होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। फोर्थ जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो होता है गैस्ट्रुलेशन। फोर्थ जो स्टेप होता है डेवलपमेंट का वो होता है गैस्ट्रुलेशन। और गैस्ट्रुलेशन के रिजल्ट से क्या होते हैं, तीन जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है, एक्टोडर्म, मीजोड्रम एंड एंडोड्रम। तो फोर्थ स्टेप होता है गैस्ट्रुलेशन। बट गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइम जो सेल्स फॉर्म हुई है उनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है। और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलर मूवमेंट। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलर मूवमेंट, या फिर उसको हम मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। या तो हम इसको मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कहेंगे या फिर इसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलर मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस गैस्ट्रुलर मूवमेंट, डिफरेंट टाइम के गैस्ट्रुलर मूवमेंट होते हैं। डिफरेंट जो एनिमल्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स है, उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं। जैसे हम इनवेजिनेशन की बात करें, इनग्रेशंस की बात करें, इन्वोल्यूशंस की बात करें, डेलेमिनेशंस की बात करें, इन सब मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के रिजल्ट से क्या होती है, जर्म लेयर की फॉर्मेशंस होती है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम या मीजोड्रम। फिफ्थ जो स्टेप होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जो स्पेसिफिक जो जर्म लेयर है अपना स्पेसिफिक फेट को क्या करेगी, फॉर्म करेगी। जैसे मीजोड्रम का हमने बताया, हार्ट की फॉर्मेशन करते हैं, किडनी की फॉर्मेशन करती है, आपके ब्लड की फॉर्मेशन करती है, लिम्फ की फॉर्मेशन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। तो स्पेसिफिक जो सेल्स उसका स्पेसिफिक फेट होता है जिसको वो क्या करती है, फॉर्म करती है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिससे ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। और ये फिफ्थ स्टेप होता है डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो डेवलपमेंट होती है, ये दो टाइप की डेवलपमेंट होती है एनिमल्स के अंदर। एक होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आपने सुना भी होगा, जब किसी भी एनिमल, जब इनवर्टिब्रेट्स की आपने डेवलपमेंट पढ़ी होगी, वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट पढ़ी होगी, जब जनरल करेक्टरिस्टिक आपने पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि साइकोन है, इसकी जो डेवलपमेंट है आपकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फ्रॉग की जब आपने डेवलपमेंट देखी होगी तो आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है। और जब आपने ह्यूमन की डेवलपमेंट पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट दो टाइप की है, एक है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसके अंदर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या होता है, अगर डेवलपमेंट हिस्ट्री में, अगर डेवलपमेंट लाइफ हिस्ट्री के अंदर क्या हो, लार्वल स्टेज पर जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहेंगे, अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो
उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, लार्वल स्टेज जो क्या होती है वो क्या होती है, अब्सेंट होती है। जैसे हुमन की बात करें तो हुमन की जब डेवलपमेंट होते हैं तो जो फीमेल्स होती है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो आपके यंग वंस को प्रोड्यूस करती है, वो कभी भी लार्वा फॉर्म नहीं होता। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर लार्वा स्टेज अब्सेंट हो उनको हम कहते हैं कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो कैसी होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। बाय जिन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या हो, उनकी लाइफ स्टेज के अंदर लार्वा स्टेज पड़ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर क्या है, लार्वल स्टेज पर जाएंगे, जैसे टैडपोल लार्वा पर जाएंगे होता है। तो टैडपोल जो लार्वा है लार्वल स्टेज पर जाएंगे होते हैं, अडल्ट फॉर्म होने से पहले क्या है, लार्वा फॉर्म होता है। तो फ्रॉग के अंदर जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है वो कैसी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और इन्हीं सभी प्रोसेस को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे डिफरेंट जो यूनिट है। जैसे मेनली ये जो सीरीज है ये BSc 6th SEM जो मेडिकल है उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा डिफरेंट जो MSc के कोर्सेज है, इसके अलावा एंट्रेंस जो एग्जाम है MSc का, उनके लिए बेनिफिशियल। तो अगर हम BSc मेडिकल्स की बात करें तो BSc मेडिकल 6th semester के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो सिलेबस है उसको 4 यूनिट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है कि डिफरेंट साइंटिस्ट है कब कॉन्ट्रीब्यूशन किया, कब एग की स्ट्रक्चर हमें पता लगी, कब हमें ओवम की स्ट्रक्चर, कब हमें स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, जो डिफरेंट जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किन किन साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया टू डेवलप डेवलपमेंटल हिस्ट्री, जो डिफरेंट जो रिसेंट से लेके आपके जो फ्यूचर्स के अंदर जो आपके हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एम क्या है, वाय हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, क्या क्या इसके स्कोप है, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट की फॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस कितने डेज के अंदर कंप्लीट होता है और कौन कौन से फेज के अंदर इनको डिवाइडेड किया हुआ है। सेकंड इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ओजेनेसिस के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, कौन कौन से फेज डिवाइडेड होते हैं, किनमें पोलर बॉडी के फॉर्मेशन होते हैं, किसमें पोलर बॉडी के फॉर्मेशन होते हैं। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस और ओजेनेसिस प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे मैमिलियन स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में और एग की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे एक जो स्पर्म है वो एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं जो पॉलीस्पर्मी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसमें स्लो ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ इंसेक्ट की अगर हम बात करें, उसमें विदाउट फ्यूजन क्या होता है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होती है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। तो इस सेकेंड यूनिट में हम एक जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस, टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस के हमने बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एडवांटेज होती है पार्थेनोजेनेसिस के, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं पार्थेनोजेनेसिस की, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे एक सेपरेट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा हम सेकेंड यूनिट में ही हम पढ़ेंगे कि जो आपका जो एग्स है, टाइप ऑफ जो एग्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे कि एग्स को किन किन बेसिस पे डिवाइडेड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, और किस एनवायरमेंट में एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं अपने एग्स को, फ्रेश वाटर है, मैराइन वाटर है, टेरेस्ट्रियल्स है, तो ओवेरियन एग्स है, तो डिफरेंट बेसिस पे जो एग है उनके क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो टाइप्स ऑफ एग के बारे में स्टडी। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट में क्लीवेज प्रोसेस के बारे में कि इनवर्टिब्रेट्स में क्लीवेज के पैटर्न कौन कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स में क्लीवेज के पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा प्लेन ऑफ क्लीवेज की हम बात करेंगे, किस प्लेन से क्लीवेज हो रहा है, मेरिडोनियल है, लॉन्गिट्यूडनल है, किस प्लेन से क्या हो रहा है, जो ब्लास्टोमियर से उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो क्लीवेज शुरू है वो एग को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है।
इसके अलावा डिफरेंट जो प्रोसेस है ब्लास्टुलेशंस के इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट जो लॉज है क्लीवेज की, बेलफर्स लॉ है, डिफरेंट जो लॉ है, सेक्स जो लॉ है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ गैस्टुलेशंस, ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट्स में गैस्टुलेशंस कैसे होता है, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट डिफरेंट जो हमने बताया, इन्वोल्यूशंस, इनग्रेशंस, डायलमिनेशंस, इनवेजिनेशंस, इन सब गैस्ट्रल मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा मेनली हम जो गैस्टुलेशंस का जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करेंगे फ्रॉग के अंदर और चिक के अंदर। ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे थर्ड यूनिट में। इसके अलावा एक जो प्रोसेस और है जो हमें स्टडी करना है थर्ड यूनिट के अंदर, वो है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजर। जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं? इंडक्टर्स होते हैं। तो सेल्स को इंडिकेट करना कि आप सेल्स फॉर्म करो, हर्ट की फॉर्मेशंस करो, आप आई की फॉर्मेशंस करो, तो डिफरेंट जो सेल्स है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजर्स है, वो क्या करते हैं, आपकी जो रिस्पोंडर सेल्स है उनको क्या करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इंडक्टर जो सेल्स है उनको हम ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं। तो जो सेल्स अदर सेल्स को क्या कहते हैं, इंडिकेट कर रही है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट जो टाइप्स के ऑर्गेनाइजर्स है उनका जो फिनोमेना है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स होता है वो होता है ब्लास्टोपोर्स, जो फ्यूचर जो सेल्स है, जो जर्म जो लेयर्स है उनको फॉर्मेशन करने है। तो डिफरेंट जो प्रोसेस है, डिफरेंट जो टाइप्स ऑर्गेनाइजर्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी ऑर्गेनाइजर, ये भी हम सब स्टडी करेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट की हम बात करें तो फोर्थ यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस की, डिफरेंट जो जर्म लेयर्स है उनके फेट क्या होते हैं, कि जो नर्वस सिस्टम है कौन सी जर्म लेयर से फॉर्म होता है। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि हार्ट की जो फॉर्मेशन होते हैं बाई विच जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो एक नंबर के क्वेश्चंस और कुछ अदर जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड होते हैं फेट ऑफ जर्म लेयर से, कि कौन सी जर्म लेयर कौन सा फेट फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसके अलावा हमें फोर्थ यूनिट के अंदर स्टडी करना है एक प्रोसेस होता है रीजनरेशन वाला प्रोसेस। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा। री का मतलब होता है अगेन जनरेट होना। तो ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक फिनोमेना है। तो वो रीजनरेशन के प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिक जो डेफिनेशन क्या है रीजनरेशन की, कितने टाइप की रीजनरेशन होती है, क्या क्या फिनोमेना होता है रीजनरेशन का, कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिग्री ऑफ रीजनरेशन होते हैं, कि सभी के पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, किसी के पास लो रीजनरेशन की एबिलिटी होता है, किसी के पास एक्सट्रीम लेवल पे रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर रीजनरेशन के टाइप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जो रीजनरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उस बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दो अदर देन, जो जर्म लेयर के अलावा जो मेम्ब्रेन्स होती है जो फिटस की फॉर्मेशन करती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे बर्ड्स के अंदर और अदर मैमल्स के अंदर। तो फोर डिफरेंट टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, एलेंटोइस, कोरियोन, योक सैक। तो डिफरेंट जो फोर टाइप की है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उनका फेट क्या होता है, फंक्शंस क्या है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के अंदर। इसके अलावा कुछ बेसिक्स टर्म्स होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर, जैसे हम कंपिटेंस की बात करें कि कंपिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशंस क्या होता है, या फिर डिफरेंशिएशंस क्या होता है। तो डिफरेंट जो बेसिक्स लेवल ऑफ कमिटमेंट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे एक सेपरेट चैप्टर के अंदर, कि इंडक्शंस क्या होता है, कंपिटेंस क्या होता है, डिटर्मिनेशंस क्या होता है, डिफरेंशिएशंस क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे एक सेपरेट चैप्टर के अंदर। इसके अलावा दो डेफिनेशंस है, बेसिक डेफिनेशंस है कि विच टर्म इज बेटर। जैसे अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो कौन सी टर्म ज्यादा बेहतर है। तो अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो अर्लियर टाइम में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसकी जगह क्या वर्ड यूज किया जाता था, एम्ब्रियोलॉजी वर्ड यूज किया जाता था। बट जो एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो, क्या इंडिकेट करता है, फॉर्मेशंस ऑफ एम्ब्रियो
इंडिकेट करता है। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पोस्ट एम्ब्रियोनिक फिनोमेना के बारे में भी स्टडी करते हैं। जैसे हम रीजनरेशन की बात करें, हम डिफरेंट जो प्रोसेस है उनकी हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो बेटर जो टर्म है वो क्या है आपकी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। रिसेंट टाइम में अर्लियर टाइम में क्या होता था आपका एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी कहता था, बट जो बेटर टर्म है वो कौन सी आपकी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी का इंडिकेट करके ओनली फॉर्मेशन ऑफ। थैंक यू।